हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया होने चाहिए आप भी, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की शुरुआत इवनिंग से। तो अभी शाम के बजे हैं 4, तो 4 बज चुके हैं और हम लोगों ने अपनी चाय भी पी ली है। तो मैंने अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि मैं आई थी स्कूल से आने के बाद में अब हो गई है सर्दी स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर ना वूलन टॉप पहना हुआ है ये, और वूलन ही मैंने यहाँ पर ही अपना लोवर पहना हुआ है। तो अभी मैं ना मतलब कि सलवार और सूट पहने हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर फिर भी पहनना पड़ता है, गर्म कपड़े होते ना, तो जर्सी पहनो, कुछ ना कुछ पहनना पड़ता, और वूलन ही पहन लो तो वो सबसे बेस्ट रहता। और मैंने अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने लिया था अभी यहां से एक वूलन कुर्ता, तो हमारे यहां पर यहीं पर आया था, तो यहीं से जस्ट मैं जस्ट स्कूल से आ रही थी उस टाइम आया था, तो मम्मी ने बोला कि यहां से हम ले लेते हैं। तो ये देखो मैंने लिया है, मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट से यहां पर पूरा नहीं दिख पाएगा। और मम्मी यहां पर बना रही है सब्जी, क्योंकि पापा लेकर आए थे अभी सब्जी, तो मेथी और पालक बना के रख रही हैं वो, तो अपना सुबह को जो है सब्जी बन जाएगी अपनी, काट के रख देंगी, तो सुबह को ना ये कि बॉईल हो जाएगा, सीटी लग जाएगी उसमें आराम से। तो चलो मैं दिखाती हूँ अपना कुर्ता। फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैंने लिया था, ब्लैक कलर है, वाइट कलर, और इसमें ग्रे कलर की इसमें लाइनिंग दी गई है, और यहाँ पर ना बीच में ये फ्लावर का प्रिंट है यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। फुल स्लीव्स है इसकी, ये देखो, और विद कॉलर है यहाँ पर ना, हल्का सा कॉलर बना हुआ है, गला भी इसका ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो पूरा मैं आप लोगों को इस पर दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ना नीचे इस तरीके से ये डिज़ाइन है, यहाँ पर कटिंग हो रखी है, तो पीछे तो यहाँ पर ना फुल ब्लैक है, प्रिंट नहीं है पीछे, आगे की साइड में ये प्रिंट दिया गया है। तो ये देखो काफ़ी प्यारा सा लगा था मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया था। दो कलर थे, एक और भी था, लेकिन डिज़ाइन सेम थी यहाँ पर, तो फिर मुझे यहाँ पर ये वाला ही अच्छा लगा था, क्योंकि ब्लैक पैंट के साथ में भी चल जाएगा, या फिर जैसे कि ब्लैक लोअर होता है उसके साथ में पहन लो। इसको ना आप किसी भी साथ में पहन सकते, तो मुझे ये अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा है? तो ना मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, और इसको मैं देखती हूँ, नहीं मंडे को पहनूंगी, क्योंकि आज है संडे, तो भाई संडे को ना सारा टाइम निकल जाता है यही काम करती करती, तो मैं फटाफट से अपना काम कर देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगानी, आटा वगैरह लगाना है, तो मैं अपना काम करती हूँ, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पर कोई भी न्यू है और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरे चैनल की कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच पाएगा, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। बंद करके रख दो। हाँ बंद नहीं करते, वो तो ठंडा है, खराब है, थोड़ी डिग्री को जमीन कीड़ा कीड़ा अच्छे रखा है। मैं दो आटा साथ में डाल दिया, नमक में चीनी डाल दिया, मेथी ये कटोरा में जो है वो आटे में डालो, और डाले ना आटे में भेज दे भाई, वो डाल दूध भी गर्म हो गया, तो दूध भी खाली करके रख दिया, और इसकी थोड़ी सी मलाई वो मैं खा लेती हूँ। मलाई से कोई मोटा नहीं होता, ये मत बोलना कि मलाई खाती हो आप इसलिए मोटी हो गई हो, तो वैसे मैं रोज नहीं खाती, कभी कभी जैसे मुझे मन करता है तब खा लेती हूँ, जैसे कि आज खाई है, तो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई मैं मलाई रोज खाती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो चलो दूध भी कर दिया, सारा काम हो गया, फटाफट से आटा भी लगा के रख देती हूँ, एक साथ में काम हो जाएगा। Thank you.
मेथी का, तो सबसे पहले तो मेथी को मैं वॉश कर देती हूँ हल्की, जो अगर इसमें धूल मिट्टी रह जाती है ना तो उसका किरकिरापन जो है ना वो कर देता आटे को खराब, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है तो सारा आटा बेकार हो जाता है। कई बार तो मेथी जो है वो अच्छी निकल आती है, जिसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो हमेशा धोते ही हैं और धोना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी है ना कि निकलती नहीं है और कभी कभी इतनी किरकिरापन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आटे में, जैसे कि सारा सारा आटा भी खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको वॉश कर देती हूँ। थोड़ा सा चटपटा आटा लगाऊंगी मैं आज, पानी की रोटी बनाएंगी मम्मी। इसमें डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग पाउडर, चलो मैं लगा लेती फटाफट से आटा। तो ये देखो इसमें मेरे नमक मिर्च और मेथी सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी है। 2 मिनट में मैं लगा दूंगी आटा। तो लो जी, तो हमारा आटा भी लगकर तैयार है और ये देखो देखने में लग रहा है कितना अच्छा, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो इसकी जो पानी की रोटी है वो भी एकदम बढ़िया आने वाली है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस को पानी के हाथ की और मेथी वाली नमक मिर्च वाली मसालेदार रोटियां किसको पसंद है और किससे खाते हैं। कोई तो पता है अचार के साथ खाना पसंद करता है, कोई सब्जी के साथ में, कोई रायते के साथ में, कोई दही के साथ में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। और मुझे तो पता है कैसे अच्छी लगती है, जैसे कि इस रोटी को ना एकदम करारी करके और उसमें बहुत सारा घी डाल के खाओ, आहा कितना मजा आ जाता है ना। तो चलो हाथ धो लेते हैं और हाथ धोने के साथ साथ में ही मैं ये 2-4 बर्तन हैं जो चाय के पड़े हुए हैं वो भी मुझे साफ करने हैं, तो इनको भी हम कर देंगे फटाफट से साफ। बर्तन हो गए साफ, मैं लगा लेती झाड़ू।
मैंने कर दिया है एकदम घर को साफ और झाड़ू भी लगा दी। मेरा काम जो शाम का होता है वो हो गया है। ऊपर देखो बंदर कूद रहे हैं भाई, हमारे यहाँ पर हमारे गांव में इतने बंदर हैं मैं बता नहीं सकती कितना डर लगता है ऊपर जाने में भी, वरना हम लोग ना ऊपर भी जा सकते हैं, पर मैं क्या करूँ, हमारे यहाँ एक साल से इतने बंदर हो गए हैं, हद से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो बस देखो चटनी भी बनानी थी वो मम्मी ने बना दी, सब्जी वगैरह बन चुकी है, आटा मैंने लगा ही दिया था, सफाई हमारी हो चुकी है। तो अभी मैंने अपने बाल बनाए थे, इसमें डलवाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, तो अपना ये कि कल हेयर वॉश हो जाएगा, मंडे को मैं कर लेती हूँ अपना हेयर वॉश इसलिए। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सामने आप लोगों को ना बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी सी दिख रही होगी, तो उसको प्रेस कर देना और वो हो जाएगी ब्राउन कलर की, तो आप लोग जल्दी से कीजिए। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को बाद में, बाय। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना हो जाए, ओले ओले ओ।